परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरिमंदर साहिब दीन दुनिया दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया ने जो श्री मुखवाक साहिब जिया की बख्शिश कीती है उस हुक्मनामा साहिब जिया दे आपां अखरी अर्थ सरवण करिए विचार की आरंभता तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया दे चरणा विच हाजरी लवाउंदे होए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिया वालों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए कोई भी रसना वांझी नारे सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है जिन्हां संगतां ने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया वह साडा चैनल जरूर सबसक्राइब करो क्योंकि असी इस चैनल ते हर रोज़ जो सतगुरु जी श्री मुखवाक साहिब जिया की बख्शिश करते हैं उस हुक्मनामा साहिब जिया के अखरी अर्थ अपलोड करते हाँ अते नाल ही होर गुरबाणी की कथा विचार गुरबाणी कीर्तन असी इस चैनल ते अपलोड करते हाँ। सो आओ अज सतगुरु जी साढ़े ते की रहमत कर रहे ने की बख्शिश कर रहे ने सरवण करिए। तनासरी महला पंजवा अज दा मुखवाक शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज सतगुरु पंजवें गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जिया ने अपनी रसना तो उचारण किया होया है जो कि राग तनासरी विच है। ये पावन पवित्र शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया विच 673 अंग ते सुभाई मान है। तुम दाते ठाकुर प्रित पालक नायक खसम हमारे तुम दाते ठाकुर प्रित पालक प्रित पालक तो भाव है पालना करन वाला नायक तो भाव है आगू। महाराज कहंदे तुम दाते है परमात्मा वाहिगुरु जी तुसी सब नू दाता देन वाले हो हर एक नू दात तुसी दे रहे हो ठाकुर तो भाव है मालक महाराज तुसी सारिया दे मालक हो प्रित पालक तू सबना नू पालन वाला है नायक खसम हमारे महाराज तू साडा आगू है साडा नायक है जीवन अगवाई देन वाला है ते तुसी ही साडे खसम हो। निमख निमख तुम ही प्रित पालो हो हम बारक तुमरे तारे निमख निमख तुम ही प्रित पालो निमख तो भाव है अख चमकण जितना समा ऐ वाहिगुरु ऐ परमात्मा तू ही एक एक छिन साडी प्रित पालना कर रहा है सानू पाल रहा है। हम बारक तुमरे तारे असी तेरे बच्चे हाँ असी थवाड़े आसरे ही जिउंदे हाँ। जेहबा एक कवन गुण कहिए जेहबा एक कवन गुण कहिए महाराज मेरी जेबा एक है पर थवाडे गुण बहुत हन एक जेबा दे नाल बेअंत गुण किवें कह सकदे हां। बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावां राम महाराज थवाडे गुण बहुत हन पर मेरी जेबा एक है एक जेबा दे नाल थवाडे बेअंत गुणा दा वर्णन नहीं कीता जा सकदा।
बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लहिए रहाओ। बेसुमार तो भाव है अणगिणत। महाराज कहते बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लहिए ऐ अणगिणत गुणा दे मालक परमात्मा वाहिगुरु जी तुसी बेअंत हो तुहाडे गुणा दा अंत नहीं पाया जा सकदा। किसे भी पासों थोड़े गुणा का अंत लभ्या नहीं जा सकता। कोट परात हमारे खंडो हो अनक विधि समझावो हो। कोट परात हमारे खंडो, कोट तो भाव है करोड़ा, परात तो भाव है अपराध। हमारे खंडो, खंडो तो भाव है नाश कर दो। ऐ वाहिगुरु ऐ परमात्मा तुसी साडे करोड़ा अपराध नाश करदे हो। तुसी सानू अनेकां तरीकियां नाल जीवन जुगत समझाउंदे हो। परमात्मा ही है जिहड़ा इंसान दे अपराध नाश कर दिंदा है। दुनिया विच कोई माड़ी जी गल हो जाए, कोई पाप कर देवे ता दुनिया जिन्ना चिर सारिआं नूं दस ना देवे उन्ना चिर इन्हां दे प्रशादा नहीं पचदा। सानू कोई माड़ी जी गल पता लग जाए पिंड विच असीं सारिआं ते अगे रोली पाने आ, सारिआं नूं दसदे आ। पर महाराज कहिंदे ओह परमात्मा है जे इंसान भावना दे नाल शरदा दे नाल परमात्मा दे अगे ढह पवे, अपने आप नूं समर्पित कर देवे तां परमात्मा वाहिगुरु जी तेरे औगण नहीं देखेगा, तैनूं बख्श देगा। परमात्मा सारे अपराध बख्श दिंदा है। कोट अपराध हमारे खंडो, साढ़े करोड़ा पाप परमात्मा वाहिगुरु जी नाश करदा है। अनक विधि समझावो, अगे तो सानू जीवन जुगत अनेकां तरीकियां दे नाल समझाउंदा है। हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम्हें आपन बिरद रखाव हो। हम अज्ञान, महाराज असी अज्ञान हाँ, ज्ञान तो हीन हाँ। अलप मत थोड़ी, साड़ी मत बहुत छोटी है, थोड़ी है। तुम आपन बिरद रखावो, पर सतगुरु जी थोड़ा सुभा है, थोड़ा मुढ़ कदीबी का प्यार करन वाला सुभा, तुसी सदा ही साड़े नाल प्यार कर दे। महाराज साड़ी मत थोड़ी है, तू समरथ वड्डा, मेरी मत थोड़ी राम। तुसी वड्डे हो, समरथ हो, पर साड़ी मत बहुत छोटी है। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सोहेले। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, सतगुरु जी ऐ परमात्मा वाहिगुरु जी असी थोड़ी शरण विच आए हाँ, थोड़े ते आस रख के आए हाँ। तुम ही सज्जन सुहेला, तुसी ही साडे मित्र हो, सज्जन हो, ते तुसी ही सानू सुख देण वाले हो। राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले। राखो राखण हार दयाला, ऐ दयावान परमात्मा ऐ वाहिगुरु जी तुसी सारिआं दी रखिआ करन वाले हो। साडे ते भी किरपा करो, साडी भी रखिआ करो। नानक करके गोले, असी भी थोड़े दर दे गुलाम हाँ, असी भी तेरे नौकर हाँ। महाराज किरपा करो, साड़ी रखिया करो। गुरमुखो नौकर किहो जिहा हुंदा, गुलाम किहो जिहा हुंदा। मालक जो भी हुक्म करे नौकर नूं मनना पैंदा है, ओनूं ही गुलाम किया जांदा, ओनूं ही नौकर किया जांदा है।
पर जेकर नौकर मालिक दा हुक्म ना मन्ने तां की मालिक नूं ओ नौकर चंगा लगेगा? नहीं लगदा। इस करके असी सारे ओ परमात्मा वाहिगुरु जी दे नौकर हाँ, उहदे गुलाम हाँ। अपने आप नूं परमात्मा दे गुलाम बनाइए, किसी इंसान दा मोहताज ना बनाइए। दाता देण वाला परमात्मा वाहिगुरु जी है। साडी जिंदगी अंदर जिन्नियां भी दाता हन, ये दाता सानू मालक ने दित्तियां हन, परमात्मा ने दित्तियां हन। इउं ना होवे असी दाता दे नाल प्यार पा लिए ते दाते नूं भुल जाइए। जिन्हां ने दाते नूं भुला दिता, महाराज कहिंदे याद रखी दाते नूं भुल के तू दुखी होएगा। हर विसरत सदा खुवारी, परमात्मा नूं विसार के तू खुवार होएगा। तेरी जिंदगी अंदरों सुख जांदे लगणगे, तेरे मन अशांत हो जाएगा। गुरमुखा अपने आप नूं तू परमात्मा दा गुलाम बना के रख, परमात्मा दा नौकर बना के रख। जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी कर रहे है उन्हूं सत करके मन, उहदे भाणे विच रहना सिख। जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी कह रही है उहदे मुताबक अपने जीवन नूं ढाल। जे असी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी मुताबक चलदे हाँ, फिर तां असी सतगुरु जी दे नौकर हाँ। पर माफ करियो, जे असी सतगुरु जी दी बाणी मुताबक नहीं चलदे मना, फिर तू गुरु दा नौकर नहीं, तू अपने मन दा नौकर है। जेड़े मन पिछे लगदे है उन्हां नूं मनमुख किया जांदा। मनमुख जीवन दी बाजी हार के चले जांदे हन। गुरमुख केड़े है जेड़े गुरु वल मुख रखदे है। जो सतगुरु जी कहिंदे हन उन्हां दे मुताबक चलदे आ उन्हां नूं गुरमुख किया जांदा। ते गुरमुख महाराज कहिंदे जीवन दी बाजी जित के चले जांदे हन। तो फैसला असी करना, असी गुरमुख बनना जां मनमुख बनना। गुरमुख लाहा लै गए मनमुख चलै, मूल गवाए जियो गुरमुखो। ये सन जो अज सतगुरु जिया ने श्री मुख वाक साहिब जिया की बख्शिश की है। उस हुक्मनामा साहिब जिया दे अखरी अर्थ जो आपा सरवण कीते हन, बाणी दी विचार करदे समय एक नहीं बेअंत भुल्लां हो गईयां। अणजाण बच्चे समझ के माफ करियो। उपदेश मेरे सतगुरु जी दा जान के अपने हिरदयां दे अंदर वसा लियो। भुल्लां साडी झोली विच पा दियो जी। गुरु वाले बनो, अमृत छको, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।